शिव शंकराय शिव 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 शंकरा। मेरे हिंदू भाइयों बहनों को सादर प्रणाम। आज बात करेंगे दूसरे ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन के बारे में। ये पहला ज्योतिर्लिंग है जिसमें देवी पार्वती तथा शिव भगवान सम्मिलित रूप से स्थापित हैं। मल्लिका अर्थात देवी पार्वती, अर्जुन अर्थात महादेव। जब शिव पार्वती के पुत्र कार्तिकेय जी कैलाश वापस आए तब नारद मुनि ने गणेश जी के विवाह के बारे में उन्हें बताया। कार्तिकेय जी नहीं चाहते थे कि गणेश जी के विवाह में कोई बाधा आए। तत्पश्चात शिव पार्वती के मना करने के बाद भी कार्तिकेय जी नहीं रुके और वह क्रौंच पर्वत की तरफ चले गए। कार्तिकेय जी के चले जाने के बाद पार्वती जी व्यथित रहने लगी। तत्पश्चात शिव भगवान ने ऋषियों को कार्तिकेय को वापस कैलाश लाने के लिए भेजा, लेकिन वह नहीं आए। शिव पार्वती अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने पहुँचे। ये खबर सुनकर कार्तिकेय 36 किलोमीटर दूर चले गए तथा मल्लिकार्जुन की स्थापना हुई। हर अमावस पे भगवान शिव तथा पूर्णिमा पे देवी पार्वती वहाँ साक्षात जाते हैं। मल्लिकार्जुन के दर्शन करके इंसान के सभी पापों का नाश होता है अथवा सभी इच्छाओं जैसे धन, संपत्ति, स्वास्थ्य तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सब परिवार मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग तथा ब्रह्मा रम्मा शक्तिपीठ के दर्शन करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। हर हर महादेव।